तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो वीवो प्रो कबड्डी लीग का आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का 96वां मैच जो कि खेला जाएगा जयपुर पिंक पैंथर वर्सेज पुनेरी पल्टन के बीच में। तो दोनों ही भाई वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट टीम है टूर्नामेंट की और दोनों ही टीम्स के हाई चांसेज रहेंगे इस मैच में विन करने के, यानी कि टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से इस मैच में कौन सी टीम जीत सकते, क्या हमारी टीम रहेगी, क्या कौन सी टीम को हम फेवर करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। यहां पर मैं एक से दो सिनेरियो बताऊंगा कि इस सिनेरियो में हमारी क्या टीम रहेगी और दूसरे सिनेरियो में हमारी क्या टीम रहेगी। लेकिन आज की वीडियो में प्रिडिक्शन की तरफ चले, उससे पहले भाई जो कल के मैचेज के रिजल्ट थे एक बार वो दिखाने बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर आप देख सकते हो जो हमारे रिजल्ट है वो आप देख सकते हो, जो ये युगांडा मेंस और वुमेन्स कबड्डी चल रही है यहां पर आपका भाई अल्ट्रा क्लीनशिप करवा रहा है लगातार। इसके अलावा कल जो कबड्डी में हमने विनिंग किया, मतलब आप देखते देखते थक जाओगे लेकिन रिजल्ट हमारे खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। दोनों के दोनों मैच में अल्ट्रा क्लीनशिप दिया आपके भाई ने, यहां पर आप देख सकते हो सिंगल हैंडेडली भाई विनिंग हुई है। यहां पर आप देख सकते हो जीएल मिनी जीएल में हमारी रैंक नंबर 28 पर रही थी। वहीं अगर बात करें भाई आगे जो स्मॉल लीग की टीम थी उसमें तो आपके भाई ने झंडे गाड़ ही रखे हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कोई भी कॉन्टेस्ट ऐसा नहीं है पर हमने विनिंग ना की हो। यहां पर आप देखिए यहां पर भी 28वीं रैंक, लगातार आपका भाई अच्छी परफॉर्मेंस करके दे रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाकर अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं मैच के बारे में। लेकिन उससे पहले यार आप लोगों का है ना सपोर्ट काफी कम आ रहा है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर से कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब बात करें अगर मैच की टाइमिंग की, तो अब से करेक्ट तो नहीं भाई, थोड़ा वो टाइम ऊपर नीचे, 2 घंटे बाद ही मैच खेला जाएगा, लेकिन जब आपको वीडियो मिलेगी ना तब 2 ही घंटे बचे होंगे, ये बात कंफर्म है। अब अगर बात करें भाई इस मैच में, तो यहां पर भाई देखिए जयपुर का भी डिफेंस अच्छा खेल रहा है, पुनेरी का भी डिफेंस अच्छा खेल रहा है। जयपुर के रेडर्स है ना उसमें सिर्फ दिक्कत आ रही है, उसमें क्या है कि अर्जुन अच्छा खेल रहे हैं लेकिन बाकी बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं, राहुल चौधरी भी अजीत कुमार दोनों फ्लॉप चल रहे हैं। पुनेरी पल्टन की बात करेंगे तो यहाँ पर भाई देखिए इनके जो तीनों रेडर है ना वो इक्वली पॉइंट निकाल रहे हैं, मतलब 6, 7, 8, ठीक है, ये डिफरेंस रहता है किसी, कभी किसी के 6, कभी किसी के 7, कभी किसी के 8। ऐसा नहीं है कि एक रेडर 3 पॉइंट लेके आ रहा है और दूसरा रेडर मतलब 13 पॉइंट लेके आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा भाई। बिल्कुल इनके रेडर से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई भी आउट होता है ना तो तुरंत रिवाइव हो जाता है और इसीलिए भाई इनकी टीम ऑल आउट होने से बच जाती है, लेकिन जो सामने वाली टीम है ना वो उनको भाई ये ऑल आउट कर देते हैं ईजिली। अब अगर यहाँ पर भाई देखा जाए उस केस में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा चांसेज आप दे सकते हो पुनेरी पल्टन की टीम को। तो पुनेरी पल्टन की टीम मेरे हिसाब से 60 से 65% चांस रखती है यहां पर इस मैच को विन करने की। बाकी अगर बात करें तो 35 से 40% चांस मेरे हिसाब से रहेंगे भाई यहां पर जयपुर पिंक पैंथर्स के। अब अगर बात करें भाई टेलीग्राम की, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन या वीडियो के फर्स्ट कमेंट वाले लिंक से ही ज्वाइन करना है। अब अगर बात करें भाई जयपुर की स्टार्टिंग 7 की, तो अर्जुन देसवाल राइट साइड से रेड करेंगे और अच्छी खासी फॉर्म में लगातार लास्ट के 6 या 7 में ऐसे सुपर 10 लगाते आ रहे हैं और टूर्नामेंट के सबसे मेन रेडर है, मतलब पूरे टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा पॉइंट लेने वाले रेडर है। वहीं अगर बात करें राहुल चौधरी बीच बीच में कभी कभी परफॉर्मेंस देते हैं। वहीं अगर बात करें वी अजीत कुमार की, तो ये भाई जीएल मिनी जीएल का प्लेयर है, ठीक है, इन्हें आप स्मॉल लीग में ट्राई करने का रिस्क लीजिएगा ही मत। वहीं अगर बात करें राहुल की भी, तो इन्हें भी मैं ये नहीं बोल रहा, आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इन्हें स्मॉल लीग में लेके चलिए, बट आप ट्राई करने में मतलब एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हो, जो चले तो आपकी टीम अच्छा कर जाएगी, नहीं चले तो भाई फ्लॉप हो जाएगी। अब अगर बात करें भाई इनके डिफेंस की, तो डिफेंस काफी इनका सुदृढ़ दिख रहा है। पहले भाई सिर्फ 2 ही डिफेंडर चल रहे थे, सुनील कुमार और अंकुश राठी। अब लास्ट मैच से भाई यहां पर लास्ट मैच से नहीं भाई, लास्ट के 3 मैच से साहुल कुमार ने फॉर्म हासिल कर लिया। लास्ट के 3 मैच में 10 टैकल इन्होंने कमाए, 2 मैच में 4-4, 1 मैच में 3 टैकल। वहीं अगर बात करें भाई अंकुश राठी, अभी जब एम चियाने ने दिल्ली के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस दी थी ना वो 16 पॉइंट वाली, उससे पहले भाई यही नंबर एक रेडर
डिफेंडर थे टूर्नामेंट के, लेकिन अभी भाई ये नंबर दो पर आ चुके हैं। वहीं अगर बात करें सुनील भी इनका सपोर्ट अच्छा खासा कर रहे हैं। नीचे अगर आ जाओगे तो पुनेरी पल्टन की स्टार्टिंग सेवन देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग सेवन के बाद जो प्लेयर्स बैटल रहेगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन उससे पहले भाई एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर है ना, आप देखिए जो आपके लिए यहाँ पर गिव अवे लगा हुआ है इस मैच में, विजन इलेवन ऐप का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, 20,000 रुपये का गिव अवे। आप देख सकते हो मैच स्टार्ट होने में काफ़ी कम टाइम बचा है और यहाँ पर स्पोर्ट्स अब काफ़ी जल्दी जल्दी फील होंगे। तो अगर आपने डाउनलोड कर रखा विजन इलेवन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन भी भाइयों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री का पैसा अगर कहीं पर भी मिले ना किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी मत छोड़ा करो। अब अगर आ जाते भाई यहाँ पर वापस हम अपनी टीम के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से मोहित है, ठीक है, मेनली भाई मेनली क्या भाई ये तो प्रॉपर राइट रेडर है, ठीक है, राइट साइड से रेड करेंगे। और प्लेयर्स बैटल में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे बड़े नाम बताऊंगा जो आपको मैं बोलूंगा कि आप लॉजिकली इन्हें ड्रॉप कर सकते हो, वो आपके ऊपर रहेगा आप ड्रॉप करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। मोहित गोयद वैसे टूर्नामेंट में देखोगे तो भाई टीम का सबसे बड़ा रेडर, सबसे मेन रेडर, और सबसे बड़ी बात फैंटेसी के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है। रीजन क्या है, टच पॉइंट लाने में यकीन रखता है, बोनस नहीं लेके आता। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, टच पॉइंट, एक टच पॉइंट के भाई 8 पॉइंट मिलते हैं फैंटेसी में, और एक बोनस पॉइंट के यहां पर आपको मिलेंगे टोटल 2 ही पॉइंट, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ जाती है कि यहां पर जो असलम इनामदार है ये एज कंपेयर टू टच पॉइंट ये बोनस पर ज्यादा यकीन रखते हैं। तो अगर मान लो कि असलम ने 10 पॉइंट लिए और 7 बोनस ले लिए, 3 टच पॉइंट लिए, वहीं अगर मोहित ने सिर्फ 5 पॉइंट लिए तो मोहित के भाई ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये फर्क होता है भाई। अब पॉइंट्स आपको ज्यादा दिखेंगे यहां से असलम के, लेकिन हमें फैंटेसी में ज्यादा पॉइंट देखे जाएगा मोहित, ठीक है। आकाश शिंदे की बात करें तो भाई ये दोनों आकाश और मोहित दोनों भाई देखिए लेफ्ट राइट दोनों साइड से रेड कर सकते हैं, लेकिन जब मोहित चल रहा है ना तो यहाँ से भाई असलम और आकाश शिंदे दोनों भाई यहाँ से लेफ्ट से रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभिनेश नटराजन भी अब फॉर्म वापस पकड़ रहे हैं, धीरे धीरे लेफ्ट कवर पर खेल रहे हैं। संकेत सावंत की बात करें तो ये राइट कवर पर खेलते नजर आएंगे, लेकिन जो आज के मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा सबसे और सीवीसी का अच्छा दावेदार रहेगा वो रहेगा फजल अत्रचली। वो क्यों और कैसे आपको आगे समझाता हूँ अभी प्लेयर्स बैटल में, ठीक है। और लेफ्ट कॉर्नर पर खेलेगा, टीम का बहुत ही शानदार प्लेयर है और टीम का क्या भाई इस पीकेएल हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा डिफेंडर है, सबसे ज्यादा टैकल करने वाला। सोमवीर की बात करें तो ये राइट कॉर्नर से खेलेंगे। लास्ट के 3 मैच में फॉर्म थोड़ी सी डिप हुई है, लेकिन आज फॉर्म में वापस आने का अच्छा मौका है, क्योंकि सामने वाले टीम के जो राइट साइड से रेडर आएंगे वो भाई इतने अच्छी फॉर्म में नहीं लग रहे। अब अगर बात करें भाई प्लेयर्स बैटल की तो सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर जयपुर के रेडर्स। तो ऐसे अर्जुन आएंगे राइट से, अब ये राइट से आएंगे तो ये जाएंगे कहां पे, ये जाएंगे सीधा लेफ्ट कॉर्नर के पास, और लेफ्ट कॉर्नर पर कौन दिखेगा आपको, सुल्तान फजल अत्रचली। तो सुल्तान के पास आज मौका होगा कि वो अपना I5 भी कंप्लीट कर सकते, कैसे अभी आपको बताऊंगा। वो 2 से 3 बार तो मेरे हिसाब से इजीली अर्जुन को पकड़ लेंगे, ठीक है। एक तो ये, अगर बुरा दिन हुआ तो भाई बुरा दिन तो अर्जुन का भी हो सकता है, हो सकता है वो पॉइंट्स ही ना लेके आए, ठीक है। बट अगर बुरा दिन नहीं हुआ तो आज फजल आपके लिए सीवीसी के अच्छे दावेदार रहेंगे, ठीक है। और यहां सॉरी भाई, इनका सपोर्ट कौन करेगा, इनका सपोर्ट करेगा भाई यहाँ से संकेत सावंत और सोमवीर, ठीक है। अगर ये चेन, अगर मान लो फजल ने टच कर दिया और उसके बाद भाई ये चेन लेके आउट कर देते तो भी टैकल पॉइंट फजल को ही मिलेगा, ठीक है। वही अगर बात करें भाई जो इनके दोनों रेडर है लेफ्ट राइट दोनों साइड से रेड करते हैं, और अगर इनकी बात करें तो इनका क्या है कि देखिए यहाँ से ये दोनों खेलेंगे और ये भाई कॉर्नर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो सोमवीर और फजल यहाँ से इन दोनों को अच्छे खासे पॉइंट आज मिल सकते हैं, जिसमें इन दोनों में से भी अगर कोई एक चूज करना हो तो भाई फजल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेंगे। अभिनेश नटराजन ये भाई कवर पर रहेंगे, और देखिए जो लेफ्ट राइट दोनों साइड से रेड करते हैं ना रेडर, वो क्या करते हैं, वो पॉइंट्स सबसे ज़्यादा निकालते कॉर्नर से और आउट सबसे ज़्यादा होते कवर से। तो उस कंडीशन में भाई अभिनेश नटराजन जिस हिसाब की फॉर्म में है ना, आज आपके लिए ट्रंप कार्ड साबित तो हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें भाई यहाँ से इनके रेडर्स की, तो यहाँ से मोहित मैच की 30-40% रेड जरूर करेंगे, और यहाँ पर अगर बात करें तो ये जाएंगे भाई सीधा अंकुश राठी के पास, ठीक है। तो अंकुश राठी यहाँ पर आपके लिए एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, आज के मैच में बहुत ही शानदार प्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा शानदार प्लेयर है, ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इनका सपोर्ट कौन करेगा, सुनील। तो यहां से मतलब आज मोहित के लिए पॉइंट निकालना बहुत बड़ी महाभारत होगी, मान लो कि बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो मोहित को आज अपनी टीम से आप ड्रॉप भी करने का रिस्क ले सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना परसेंट बंदे का सिलेक्शन और कितने परसेंट लोगों ने सीवीसी बना रखा है, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ड्रॉप करने का रिस्क लो, क्योंकि देखिए रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको फैंटेसी में विनिंग करनी है तो, ठीक है। वहीं अगर बात करें भाई इनके जो बाकी रेडर है दोनों
लेफ्ट साइड से रेड करेंगे, ये जाएंगे भाई राइट कॉर्नर यानी कि भाई साहुल कुमार के पास, और इनका सपोर्ट करेंगे अभिषेक केस जो अभी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये तीनों मिलकर काफी सारे टैकल टीम के करते हैं। अब अगर बात करें भाई टीम की, तो टीम भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको पहले बता दूं जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, फाइनल टीम होगी ना, वो मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करने वाला हूं, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, साथ ही साथ ग्रैंड लीग की टीम्स भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। यहां से अगर बात करें तो फजल, सुनील और अंकुश, ये तीन तो ऐसे प्लेयर है जिनको आप आज किसी भी हाल में ड्रॉप नहीं कर सकते। यहां से अगर बात करें रीजा मीर बघेरी की, तो ये भाई लेफ्ट कवर खेल रहे हैं कभी कभी अभिषेक केस की जगह पे, तो ये भी भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है? तो इन्हें भी आप अपनी टीम में रख सकते हो और कोई इशू नहीं है, और कोई अच्छा ऑलराउंडर सामने है भी नहीं। लकी शर्मा अगर स्टार्टिंग सेवन में होते तो फिर अलग बात, फिर भी भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजा मीर वगैरह ही रहेगा, ठीक है? यहाँ पर अगर बात करें तो अर्जुन हमारी टीम में 101% रहेंगे। अब हमारे पास भाई प्लेयर क्रेडिट बसते 27 पॉइंट पास, तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो? अब आप यहाँ से अगर मोहित को लोगे तो फिर आपको यहाँ से भाई अभिषेक नदराजन के साथ जाना पड़ेगा या वी अजीत कुमार के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अविनेश नदराजन के साथ जा रहे हो तो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? बट अगर आप अविनेश नदराजन को नहीं लेना चाहते, और मोहित को मैंने आपको बता ही दिया, देखिए 80% सिलेक्शन है, और यहाँ से चलिए देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले सीवीसी कितने लोगों ने बनाया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 30% लोगों ने यहाँ से इन्हें वीसी दिया रखा है और 15% लोगों ने कैप्टन दे रखा है, ठीक है? तो प्लेयर को ड्रॉप करने का रिस्क तो बहुत बड़ा है, बट रिस्क है तो इसके भाई यहाँ से मैं असलम और आकाश शिंदे को लेने की ट्राई करूंगा, और आकाश शिंदे को मैं इजिली ले भी पाऊंगा शायद, हाँ हो जाएगा भाई, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब यहाँ से कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी तो मैं अर्जुन देसवाल को दे रहा हूँ, ठीक है? वीसी मैं यहाँ से देना चाहूँगा भाई फजल को, बट अगर आप इसमें भी सीवीसी में भी रिस्क लेने की हिम्मत रखते हो तो आप कैप्टन दे दीजिए फजल को और वीसी दे दीजिए अंकुश को, या फिर कैप्टन दे दीजिए अर्जुन को और वीसी दे दीजिए अंकुश को, ठीक है? बट अभी के लिए मैं जो मैंने स्टार्टिंग बताया अर्जुन और फजल, यही मेरे सीवीसी रहेंगे। फाइनल टीम हमारी जो भी रहेगी ना वो हम डिस्कस कर लेंगे टेलीग्राम पर, बट अभी के लिए आप इसी टीम को फाइनल मानकर खेल सकते हो, और ऑलमोस्ट फाइनल टीम ही है। अगर कोई चेंजमेंट होता है, कोई भी अपडेट होती है तो टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो लाइक नहीं किया ना तो लाइक करके जाना, ठीक है? और टीम को सेव कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।